हाँ अल्लू की चल्लू बेटा वाली सुना देते एक बार। उधर देख, इधर देख, यहाँ पे देख के सुना, जोर से बोल। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और आज मैं घर पर ही हूँ क्योंकि कल जो हमारा पेपर हो गया था और आज पेपर की छुट्टी है, तो कल एक आखिरी पेपर बचा है, वो कल पेपर हो जाएगा, सोशल साइंस का बचा है, जैसे ही वो आखिरी पेपर है तो हो जाएगा, फिर टेंशन ख़त्म हो जाएगी पेपरों की। वैसे ही टेंशन थी पेपरों की, फिर कल आखिरी पेपर, उसके बाद कोई टेंशन नहीं, उसके बाद दिवाली आ जाएगी, दिवाली की छुट्टियाँ लग गई है ना। तो अभी हल्की हल्की सी ठंड भी लगने लग गई, आज सुबह जब मैं उठा था तो हल्की हल्की सी ठंड लग रही थी। तो ठंड का तो एक्सपीरियंस बहुत ही अलग रहता है कि मेरे को ठंड अच्छी लगती है, गर्मी से ज़्यादा ठंड अच्छी पसंद है, क्योंकि गर्मी ना बहुत ही इरीटेट कर देती है और ठंड ना बहुत अच्छा लगता है। तो जो ठंड में जो गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस रहता है, जो जो चलाते हैं उनको पता होगा कि ठंड में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस ही अलग रहता है। मतलब ठंडी हवाएं चलती है और उसमें गाड़ी चलाओ, मतलब बाइक या फोर व्हीलर दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसका एक्सपीरियंस ही बहुत अलग रहता है। जो चलाते हैं उनको पता ही होगा। टाइम रोज का टाइम रहता है, 6 बजे मैं कोचिंग चले जाता हूँ, तो मैं उसका थोड़ा वीडियो नहीं डाल पाता। तो आज मेरी कोचिंग में जाता हूँ मैं, आपको वो आज दिखा दूँगा। आज मैं कोचिंग जाऊँगा तो मैं आपसे वहाँ भी सबसे रूबरू करवा दूँगा कि मेरे दोस्तों और सर से, मतलब कोचिंग कैसी है और वहाँ की स्टडी कैसी है, मैं आपको सब दिखा दूँगा। स्टडी आप क्या ही देखेंगे, मतलब वहाँ की कोचिंग में जाता हूँ, फिर आप वहाँ से देख लेना, सबसे मैं आपको रूबरू करवा दूँगा। और गाइस मैं भूल ही जाता हूँ क्योंकि सुबह से व्लॉग स्टार्ट करना, सुबह से जो सुबह का व्लॉग रहता है ना वो बहुत ही अच्छा निकलता है, तो मैं भूल जाता हूँ बार बार, और सुबह टाइम ही नहीं मिल पाता व्लॉग स्टार्ट करने का, क्योंकि जो सुबह का व्लॉग स्टार्ट करते ना, मतलब उनका व्लॉग मैं देख के ज़रा कोशिश करता हूँ सुबह का व्लॉग डालने की, पर मेरे से नहीं होता हो पाता। तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्द सुबह से व्लॉग स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा मैं ना। ठीक है, इसका अभी टाइम बचा है 5 बज रहे हैं, तो अभी अलग 1 घंटा हमारे पास है, तो 1 घंटा अपन को कैसे भी करके निकालना है। तो अभी मैं घर पर ही हूँ और घर पर ही कुछ ऐसे टाइम पास कर रहा था मैं। और छोटू भी अभी सो के उठ चुकी है, तो वो भी उसकी पढ़ाई कर रही थी, अभी वो भी घूम रही है ऐसे ही बेचारे, क्या करे वो भी, है ना। चल मेरे को तू एक बात बता, ये तूने तेरे मुँह को ऐसा क्या करा, ये चुड़ैल दिख रही है पूरी, तू पढ़ाई नहीं करनी है तेको, जा पढ़ाई कर, जा जा जा। गई थी अभी सो के उठी थी जस्ट, तो मैंने बोला कि मोबाइल में देखा कर कि ज़्यादा पढ़ाई करा कर, तो बेचारी डर जाती है कभी कभी, और अभी स्टडी वो करके ही उठी। तो मैं उसको बोला करता कि अब क्या करेगी तू, पढ़ाई करा कर, है ना छोटू, 7 बजे इसको उठा देते हैं और तू जल्दी सुबह उठ के नहा भी लेती है ना। इधर बता दे कितने बजे तू नहा लेती, 7 बजे नहा लेती ना, 7 बजे गई से नहा के रेडी हो जाती है और 8:30 बजे तक इसको स्कूल छोड़ आते हैं, और फिर आती है ये 2:30 बजे। क्या तू क्या लिख रही है, क्या बना रही है ये, तेको प्लस माइनस आते कि नहीं आते, नहीं आते, ABCD आती कि नहीं आती, जरा इधर बोल तो ABCD जोर से बोल। यहाँ पे देख के सुना, जोर से बोल। सो गाइस अभी मैं छत पे गया था और छत पे से कपड़े ले आया है जो कि सूख गए हैं। तो अभी अपना काम कुछ ऐसा है कि ये गद्दा बचा था छत पे जो कि गीला हो गया था, तो अभी सूख गया है, तो इसको लगाना है अपने को ये वाली जगह पे, व्यवस्थित रूप से रख देना है जो कि अभी सूख गया है, पहले गीला हो गया था सुबह, तो अभी सूख गया है तो इसको रख देते हैं। तो ये दो काम अपने को ज़रा कर लेना है फटाफट। तब ज़रा कौन कौन करता है घर के काम वो भी ज़रा कमेंट में बता देना हमें। तो ज़रा मोबाइल को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, आपको शायद दिखे या ना दिखे, मोबाइल को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। घर के काम करने में गई समय तो आनंद आता है, कौन कौन घर के काम करता है वो हमें बता दीजिएगा, क्योंकि हमें तो घर के काम करने में अच्छा लगता है। मैं
गाइस एक काम और बचा है, वो है कपड़ों की घड़ी करना, वो भी अपन अभी फटाफट से कर लेते हैं फिर फ्री। तो ये गाइस अपना दूसरा काम भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमारा काम था कपड़े जमाना, तो अभी कंप्लीट हो चुका है वो काम भी। तो इधर जमा चुके हैं हमने कपड़े, अब इनको रख देते हैं व्यवस्थित रूप से। तो दूसरा काम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, बचा है अब हमको कोचिंग जाना बच्चा। तो गाइस यहाँ पे एक सीन हो चुका है कि बंधु ने एक गलती कर दी है, उसकी वजह से उसको बहुत डांट पड़ी सर से। अभी अंदर सर रह गए थे, अंदर सर कुत्ता और अपना सुमित अंडा, तीन जन वहीं पे रह गए थे कमरे में। ये तो पागल जैसे हरकतें करता है, इस वजह से इसको अभी जरा डांट होने सुननी पड़ी। सही है सर, पूरे गाइस यहाँ पे एक पेपर घूम गया है तो ढूंढ रहे हैं, ये नहीं मिल रहा। ये वाली जगह पे खड़े हैं, ग्राउंड है यहाँ पे खड़े हैं। तो व्लॉग को बस मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मैंने कोचिंग में भी दिखा दिया, वहाँ के ज़्यादा सीन में क्लिप ऑन नहीं जोड़ पाया क्योंकि वहाँ ज़रा पढ़ाई की टाइम पे मतलब ज़्यादा वो नहीं कर पाया। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले जय जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ना, और मैं नेक्स्ट व्लॉग देखता हूँ, प्रैंक वाला जरूर व्लॉग मैं करूँगा क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था। तब तक ले बाय बाय।